फ्रेंड्स, वेब डिजाइनिंग की वीडियो सीरीज में आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट हेडिंग इन एचटीएमएल पेज। हेडिंग कितने तरह की होती है, हेडिंग को लिखने के लिए हमें क्या कोड यूज करने हैं, ये सब। वेलकम टू माय चैनल सैंकी टेक की। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया कि एक वेब पेज या फिर एक एचटीएमएल पेज का बेसिक लेआउट क्या होता है और कैसे हम वेब पेज में टाइटल लिखते हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर लीजिए और वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं और इम्पोर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे कि एक घंटे में वेबसाइट बनाना सीखें, बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना सीखें। डिजिटल मार्केट में ऐसी बहुत सी साइट हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आपको ड्रैग ड्रॉप कॉपी पेस्ट करके मॉड्यूल्स का यूज करके वेबसाइट तो बना देंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी ये नहीं सीख पाएंगे कि इस ड्रैग ड्रॉप के पीछे की कहानी क्या है, मतलब इस ड्रैग ड्रॉप के पीछे की कोडिंग क्या है। यही बैक एंड की कोडिंग मैं आपको सिखाऊंगा इस वेब डेवलपमेंट वीडियो सीरीज में। सपोज आप एग्जाम्पल के लिए वर्डप्रेस, जूमला, द्रूपल, Wix.com एटसेट्रा किसी भी इस टाइप की साइट से आप एक वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन आप कुछ फिक्स थीम बेस्ड वेबसाइट ही बना पाएंगे। लेकिन अगर आप वेब पेज की कोडिंग सीख लेते हैं तो आप अपनी मर्जी का लेआउट, अपनी मर्जी का लुक वाली वेबसाइट बना लेंगे। चलिए बिना समय गवाए सीखते हैं टाइटल से आगे की प्रोसेस। तो हमें जाना है हमारे द्वारा बनाए गए एचटीएमएल पेज पर। करते हैं इस पर माउस का राइट क्लिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर मैंने जो लास्ट वीडियो में बनाया था website.html पेज, इस पर करता हूँ मैं राइट क्लिक, देन सिलेक्ट ओपन विथ और ओपन करते हैं इसको नोटपैड से। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर सिंपल नोटपैड का यूज इसलिए करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप पूरा कोड खुद से लिखें, जबकि इंटरनेट पर आपको बहुत से एडवांस टूल टेक्स्ट एडिटर मिल जाएंगे जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, ड्रीमवीवर, ब्रैकेट्स, एटम एटसेट्रा। इनमें ऑटो कंप्लीट एंड कोड सजेशन जैसे एडवांस फीचर होते हैं जिससे कि आप कोडिंग के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप हमेशा सिंपल डिफॉल्ट नोटपैड में ही कोडिंग करने की कोशिश करें। आज हम लिखेंगे हमारे वेब पेज में हेडिंग। मेनली हेडिंग का क्या काम होता है, देखिए जब हम कोई भी ब्लॉग ओपन करते हैं, या कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर हेडिंग लिखी रहती है हर पोस्ट के ऊपर। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर मेरी ये वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर साइट अपनी है www.sankitechki.co.in। जब साइट ओपन हुई है तो आप यहाँ पर नीचे देखेंगे फ्रेंड्स, शट डाउन कंप्यूटर बाय ड्रैगिंग डाउन वॉलपेपर। यहाँ पे ये एक पोस्ट है मेरी, इस पर लिखा है, ये इसकी हेडिंग है। तो ये हेडिंग कैसे लिखते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस तरह आपको यहाँ पर अलग अलग हेडिंग मिलेंगी, इन्हीं हेडिंग के बारे में हम सीखेंगे अपने इस वीडियो में। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग और हेडिंग के लिए हम टैग यूज करेंगे एच, जो कि फ्रेंड्स H1 से लेकर H6 तक होती है, यानी ये H1, H2, H3, H4, H5 अप टू H6 होती हैं। H1 से लेकर H6 की फ़ॉन्ट साइज बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स में मैं आपको बता देता हूँ, H1 की साइज होती है 32 पिक्सल, H2 की साइज होती है 24 पिक्सल, H3 18.72 पिक्सल्स, H4 16 पिक्सल्स, H5 13.2 पिक्सल और H6 12 पिक्सल। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे वेब पेज में यहाँ पर हेडिंग का साइज कुछ ज्यादा बड़ा है और यहाँ पर नीचे हेडिंग का साइज कुछ छोटा है, तो ये अलग अलग तरह की हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है। हम इन हेडिंग को एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। ये पिक्सल्स का लोचा क्या है आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकली ये कोड लिखेंगे। देखिए ओपन कर लेते हैं हमारा वेब पेज का कोडिंग। हमें जाना है बॉडी पार्ट में। ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉडी पार्ट का ओपन टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ओपन टैग क्लोजिंग टैग क्या होता है लास्ट वीडियो में देखकर आप समझ लेंगे। हेडिंग टैग हमेशा बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर हम लिखते हैं H1 का ओपन टैग लेस देन ग्रेटर देन, इसके बीच में लिखेंगे H1, देन इसको क्लोज भी करना है, लेस देन फॉरवर्ड स्लैश ग्रेटर देन और इसके बीच में हमें लिखना है H1। यहाँ पर आप देखेंगे ये H1 का ओपन टैग है और ये H1 का क्लोज टैग है, इसके बीच हमें लिखना है हमारा हेडिंग, एंटर कर दीजिए।
फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, दिस इज माई एच वन हेडिंग। आप साथ साथ ये कोडिंग कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकली नॉलेज अच्छे से हो पाए। इस पेज को हम कर देते हैं सेव, कर देते हैं इसको मिनिमाइज और ओपन करते हैं हमारे पेज को। फ्रेंड्स यहां पर आप देख पाएंगे कि यहां पर लिखा आ गया है दिस इज माई एच वन हेडिंग और इसका जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया था 32 पिक्सल इसका हाइट है। अब हम लिखेंगे H2, फिर से ओपन करते हैं हमारा टेक्स्ट एडिटर, जाते हैं हमारे कोडिंग में और यहां पर H1 के बाद एंटर प्रेस कीजिए और ओपन टैग लिखिए H2, देन इसको क्लोजिंग टैग H2, एंटर प्रेस कीजिए और H2 के बीच में हम लिखते हैं दिस इज माई H2 हेडिंग। पेज को कर देते हैं सेव और देन मिनिमाइज इट और पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। फ्रेंड्स आप देखिए यहां पर जैसे ही हमने H2 हेडिंग लिखी, पेज को रिफ्रेश किया तो यहां पर ये हमें डिस्प्ले होने लग गया है दिस इज माय H2 हेडिंग। यहां पर आप देखेंगे कि दोस्तों H1 और H2 की हाइट अलग अलग है। इसी तरह हम लिखेंगे H3 कोड, ओपन करते हैं हमारा टेक्स्ट एडिटर, यहां पर लिखते हैं हम एच थ्री ओपन टैग, इसी तरह S3 को क्लोज कर लेंगे, फिर से एंटर प्रेस कर लेंगे, यहां पे लिखते हैं दिस इज माई H3 हेडिंग। पेज को कर लेंगे सेव और कर लेते हैं इसको मिनिमाइज, यहां पर हमारे वेब पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। देखिए जैसे पेज को रिफ्रेश किया है यहां पर आ गया है दिस इज माई S3 हेडिंग और इसकी हाइट H1 और H2 से कम है। इस तरह आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, H1 सबसे ज्यादा हाइट का होता है, H2 देन उससे कम, S3 उससे कम और इस तरह। आपको मैं लास्ट एक बार H6 का एग्जांपल और दे देता हूं। एंटर कीजिए, हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेते हैं, इसमें ओपन टैग लिखते हैं H6, देन H6 का क्लोजिंग टैग लिखते हैं, इसके बीच में एंटर प्रेस कर लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज माई H6 हेडिंग। पेज को कर लेता हूं सेव, कर देते हैं मिनिमाइज और हमारे वेब पेज को कर लेते हैं रिफ्रेश। फ्रेंड्स यहां पे आप देखिए H6 यहां पे आ गया है दिस इज माय H6 हेडिंग और इसका साइज बहुत ही छोटा है। फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको फुल H टैग के लिए बताने के लिए आपको मैं यहां पर H4 और H5 भी यहां पे दिखा देता हूं। ओपन करेंगे हमारा टेक्स्ट एडिटर, यहां पर लिख देता हूं मैं H4 ओपन टैग और इसके बीच में लिख दूंगा दिस इज माई H4 हेडिंग और इसको कर देता हूं क्लोज, H4 को क्लोज टैग, यहां पे प्रेस कर देता हूं एंटर, देन H5 ओपन टैग, इसके बीच में लिख दूंगा दिस इज माई H5 हेडिंग और इसको कर देता हूं क्लोज। यहां आप देख पा रहे होंगे H1, H2, S3, H4, H5 और H6, यहां पे मैंने सारी हेडिंग्स को लिख के टैग लिख के आपको दिखा दिए हैं। पेज को कर लेते हैं सेव, इसको कर देते हैं मिनिमाइज और हमने जो वेब पेज हमारा ओपन कर रखा है इसको कर देता हूं रिफ्रेश। फ्रेंड्स आप यहां पर देखिए हमारी सारी हेडिंग यहां पर आ गई हैं, H1 हेडिंग, H2 हेडिंग, H3 हेडिंग, H4 हेडिंग, H5 और H6। आप यहां पे समझ पाएंगे कि कैसे H1 से लेके H2 की, H3, H4, H5, H6 इनकी साइज डिफरेंट होती है और ये टैग कैसे लिखे जाते हैं। तो अब तक की वीडियो सीरीज में हमने सीखा है हाउ टू राइट टाइटल टैग, व्हाट इज टाइटल टैग और व्हाट इज हेडिंग टैग, या यूं कहे व्हाट इज H1 टैग, व्हाट इज H2, H3, H4, H6 टैग्स। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।